हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब में आपका स्वागत है। केजे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के छठे बड़े राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्नाटक, ये दक्षिण भारत का एक राज्य है। पूर्व में इस राज्य का नामकरण जो था मैसूर था। मैसूर का संबंध टीपू सुल्तान से है, लेकिन 1973 में इस राज्य का नाम जो है कर्नाटक कर दिया गया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। और यह राज्य जो है, यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजा कृष्णदेव राय का संबंध है, बहमनी साम्राज्य का संबंध है मध्यकालीन इतिहास में, तेनाली रामा का संबंध है, अंग्रेजों से हैदर अली का युद्ध हुआ था, फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ कई युद्ध हुए। 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए अंग्रेजों से युद्ध के दौरान। तो आज हम लोग भारत के इस प्रमुख राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थीगण, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। यह राज्य भारत का छठा बड़ा राज्य है और इस राज्य में भारत की सबसे प्रमुख सोने की खान भी अवस्थित है। कोलार गोल्ड माइन यही अवस्थित है और गोलकुंडा से हीरे प्राप्त किए जाते हैं, वह भी यहीं पर उपस्थित है, यहीं अवस्थित है। तो आप देखते हैं कर्नाटक एक नज़र में, भारत का ये छठा बड़ा राज्य है, इसके बारे में देखते हैं। राज्य का नाम कर्नाटक है। ये दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी राजधानी मंगलुरु है, प्रशासनिक राजधानी, विधायिक राजधानी और न्यायिक राजधानी, तीनों राजधानी जो है बंगलुरु है। बंगलुरु के बारे में थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं कि यह धूल मुक्त शहर है। इस शहर को बागीचों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर धूल मुक्ति के कारण इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी कल कारखाने हैं, कंप्यूटर उद्योग है, मोबाइल उद्योग है, यहाँ पर बहुत अधिक सेटल्ड है। भारत के इस इलेक्ट्रॉनिक नगर में की विशेषता है कि धूलकण यहाँ नहीं पाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर, कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जबकि इसका नामकरण जो है 1973 में हुआ था। पूर्व में इसका नाम मैसूर था, जहां का राजा टीपू सुल्तान था। मैसूर शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने यहीं पर किया था, तो उसी के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर है। मैसूर महिषासुर से संबंधित यह नाम है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 11 डिग्री 31 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 18 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि कर्नाटक का देशांतरीय विस्तार जो है वह 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 78 डिग्री 14 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका क्षेत्रफल जो है 191,000
191,791 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके तट रेखा की लंबाई जो है समुद्री तट रेखा की वह 400 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुल समुद्री तट रेखा कर्नाटक में जो है 400 किलोमीटर है। यहां पर एक बड़ा बंदरगाह है और 10 छोटे बंदरगाह हैं, मतलब कुल बंदरगाहों की संख्या 11 है, जिसमें एक बड़ा है जो पहले मंगलोर के नाम से जाना जाता था, अब इसको न्यू मंगलोर कहा जाता है, न्यू मंगलोर। और 10 छोटे बंदरगाह हैं यहां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान छठा है। भारत के कुल क्षेत्रफल में इस राज्य की हिस्सेदारी जो है 5.83% है। इसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 750 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इस राज्य की कर्नाटक की सबसे लंबी नदी का नाम कावेरी है और यहां की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, सरावती। सरावती वह पहली नदी थी भारत की जिस पर प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी और उस परियोजना का नाम था शिव समुद्रम। वह सरावती नदी पर ही अवस्थित है। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और सरावती ये वहां के कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कर्नाटक के नाम से लेकर उसके प्रमुख नदी तक के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग कर्नाटक की चौहद्दी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टूडेंट देखते हैं कर्नाटक के प्रमुख पर्वत, कर्नाटक के प्रमुख पर्वत के नाम हैं, हमने कुछ का नाम लिया है, मलयागिरी, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुंदादरी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई जो है वह 1930 मीटर है, मलयागिरी। ऊंचाई मीटर में 1930 मीटर है। सोने की खान, कर्नाटक में एक सोने की खान है जो कोलार में अवस्थित है। कर्नाटक के कुल क्षेत्रफल में वहां वन का प्रतिशत जो है वह 20% के बराबर है, 20% है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किसी भी भूभाग के 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में वन जो है 20% है उसके कुल क्षेत्रफल का। और यह क्षेत्रफल आता है 38,724 किलोमीटर स्क्वायर में। यहां की जनसंख्या है 6,11,30,904 व्यक्ति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में
नौवां स्थान रखता है, 9th पोजीशन है इसका। भारत की कुल जनसंख्या में कर्नाटक की हिस्सेदारी जो है 5.68% है। अब हम कर्नाटक की चौहत्ती के बारे में देखते हैं। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है और पश्चिम में अरब सागर है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और उत्तर पश्चिम में गोवा है, गोवा राज्य। कर्नाटक के पूरब में, पूरब में आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में केरल है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार देखते हैं अभ्यर्थीगण, कर्नाटक की चौहत्ती, उत्तर में महाराष्ट्र, पूरब में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु। प्रमुख पर्वत है मल्लयागिरी, कुद्रेमुख, कुंदादरी। सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक की जो है मल्लयागिरी है, जिसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। और कर्नाटक में एक सोने की खान है जो कोलार में अवस्थित है। वन यहाँ पर जो है इसके कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन है। वनों का कुल क्षेत्रफल 38,724 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जनसंख्या 6,11,30,904 व्यक्ति है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से कर्नाटक का भारत में नौवां स्थान है और भारत की कुल जनसंख्या में कर्नाटक की जो हिस्सेदारी है वह 5.68% है। मतलब वहां पर जो कुल लोग निवास करते हैं, भारत के 5.5% से ज्यादा लोग कर्नाटक में निवास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टूडेंट देखते हैं कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व जो है वह 2011 की जनगणना के अनुसार 319 व्यक्ति प्रति किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल में 319 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ का साक्षरता दर जो है 75.36% है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ का लिंगा अनुपात जो है वह 973 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ जिलों की संख्या जो है वह 30 है। यहाँ जिलों को तालुका में डिवाइड किया गया है, इनकी संख्या 176 है। कर्नाटक में तालुकाओं की संख्या 176, कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है। जबकि कर्नाटक में कुल पुलिस स्टेशन यानी थाना जो है 906 है। कर्नाटक में पंचायतों की कुल संख्या 6,068 और नगर निगम की कुल संख्या 8 है। 8 बड़े नगरों में वहाँ नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। विधानसभा में 224 सदस्य चुने जाते हैं और 1 सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार वहाँ के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 225 है। वहाँ विधान परिषद, कर्नाटक में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक
विधानमंडल है उसमें कर्नाटक भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो देखते हैं विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या है वह 75 है, लोकसभा के सदस्य यहाँ से 28 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ से 13 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कर्नाटक से, कर्नाटक में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 28 है और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी 13 है। और यहाँ के राज्यपाल हैं वजू भाई वाला। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप जानते हैं बी एस येदुरप्पा। यहां तीन तीन उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, उप मुख्यमंत्रियों की संख्या 3 है। आपने देखा था कि महाराष्ट्र में 1 उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, और यहां पर 3 मुख्यमंत्री हैं, 3 उप मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है श्री एन सी एन सी एन अस वत नारायण दूसरे हैं गोविंद कारजोल, और तीसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है लक्ष्मण सवादी। लक्ष्मण सेवादी यहां पर 3 उप मुख्यमंत्री हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर 75.36% या 2011 की जनगणना के अनुसार है, लिंगानुपात 973 स्त्री 1000 पुरुष, जिला जो है 30 है, तालुका 176 है, थाना 906 है, पंचायत 6068 है, नगर निगम 8 है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, चुनाव होता है 224 का, 1 मनोनीत होते हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या, कुल संख्या जो है 75 है। यहाँ से लोकसभा के 28 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए इस राज्य से कर्नाटक से 13 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ के राज्यपाल वजू भाई वाला हैं, मुख्यमंत्री VS येदुरप्पा हैं, उप मुख्यमंत्री जो है 3 हैं, CN अश्वत्थ नारायण, गोविंद कारजोल और लक्ष्मण सेवादी। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष हैं विशेश्वर हेगड़े कागेरी। ये जो है बीजेपी के हैं, विधान परिषद के जो सभापति हैं ये कांग्रेस के हैं। इनका नाम है के प्रताप चंद्रा सेट्टी। यहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक
उच्च न्यायालय यानी बंगलोर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 62 है, 62 है। उच्च न्यायालय के दो खंडपीठ हैं, एक जो है धारवार में है और दूसरा जो है गुलबर्ग में है, गुलबर्ग। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई थी और यहां के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्यालय बंगलुरु में है। इस प्रकार बंगलुरु जो है कर्नाटक की प्रशासनिक राजधानी भी है, विधायी राजधानी भी है और न्यायिक राजधानी भी है। कर्नाटक की आधिकारिक एवं राजकीय भाषा जो है कन्नड़ है। और यहां का राजकीय पशु जो है भारतीय हाथी है, एलिफेंट। तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, अब समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वीडियो को पॉज कर नोट करें। बागीचों का शहर जो है बंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बंगलुरु को कहा जाता है। राजकीय पक्षी जो है कर्नाटक का नीलकंठ है। राजकीय फूल कर्नाटक का कमल है। राजकीय वृक्ष कर्नाटक का चंदन है। राजकीय फल कर्नाटक का आम है। और राजकीय चिन्ह जो है वह है गंडा बेरुंडा, गंडा बेरुंडा। सबसे बड़ा नगर बंगलुरु है, कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर बंगलुरु है। और यहाँ पर कर्नाटक में जो NH की लंबाई है, नेशनल हाईवे की लंबाई है 3728 किलोमीटर है। कर्नाटक में एक रेलवे जोन 2003 में स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 2003 को हुबली में। और इस रेलवे जोन का नाम दिया गया था दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्ट रेलवे। इस प्रकार कर्नाटक से के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप KJ नॉलेज हब YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।